इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के टॉप 100 प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पठारी दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? जालौन, हमीरपुर, आगरा, झांसी। तो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत कौन कौन आता है? जालौन, हमीरपुर, झांसी, ये दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ललितपुर, झांसी तो लिखा हुआ है इसमें, हमीरपुर भी है इसमें, और महोबा 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 बांदा चित्रकूट और इलाहाबाद, ये सब दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो आगरा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 740 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितना है? वो 240 किलोमीटर है। इस चीज को आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ओशिनिया, यूरेशिया, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। तो उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी। गोंडवाना लैंड की बात करें तो इनका जो नाम है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य से उत्पन्न हुआ है। इस चीज को आप याद रखिएगा, गोंडवाना नाम नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 4, 5, 3 या 8। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर एट। तो उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार। ये सब उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भंवर की तरंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। भंवर की तरंग पट्टियां कहाँ पाई जाती है? तो भंवर की जो तरंग पट्टियां हैं, अब भावर की बात करें तो भावर क्या होता है? जो भावर होता है वो एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है। जो भावर है एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है, जो हिमालय तथा गंगा नदी के मैदान के बीच पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो, अब प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन है, प्रथम में कौन है? जो प्रथम है वो राजस्थान है। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है? तो प्रथम स्थान तो आपका राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, अवध प्रांत, उत्तर उत्तरी प्रांत या आर्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? ये जो है 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, इससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो इसको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? मिर्जापुर सोनभद्र में, महोबा हमीरपुर, ललितपुर झांसी, बांदा चित्रकूट? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो इनका जो सही आंसर है वो मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4, 5? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कितने विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है आद्र एवं उष्ण क्षेत्र, दूसरा है साधारण आद्र एवं उष्ण क्षेत्र, इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? झांसी, मथुरा, ललितपुर या बांदा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। कितनी वर्षा होती है? 54.4 सेंटीमीटर तक इनकी वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा किस जिले में वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा जो है वो गोरखपुर जिले में वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। गोरखपुर में कितने सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है? 184.7 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया था और यहाँ पे क्या पूछा गया है? जिला पूछा गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, तराई क्षेत्र या मध्य गंगा मैदान? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पश्चिमी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, बुंदेलखंड, गंगा यमुना का मैदान? तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में तराई क्षेत्र भी है, गंगा यमुना का मैदान भी है और बुंदेलखंड भी स्थित है, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियां भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तिब्बत, चीन, नेपाल, बुंदेलखंड, नेपाल या पाकिस्तान? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेपाल की बात करें तो यूपी के जो 6 जिले हैं, यूपी के 6 जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं। यूपी के 6 जिले नेपाल से सीमाएं स्पर्श करती हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। वो कौन कौन सी सीमाएं हैं? वो गोरखपुर महाराजगंज और बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, लखीम
लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत ये सब नेपाल, ये सब जिले नेपाल के सीमा से स्पर्श करती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतर के मध्य स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको अच्छे से पढ़िएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 249,411 या 240,228, 240,928 या फिर 325,425 वर्ग किलोमीटर या फिर 294,411 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट में बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा तो आप नहीं भूलेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है, ज्वार अरहर धान मसूर मक्का आलू धान मटर मुंडा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ज्वार और अरहर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, शिवालिक रुहेलखंड बुंदेलखंड या विध्यांचल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, विंध्य पठार बघेलखंड सतपुड़ा पहाड़ पठार बुंदेलखंड का पठार। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बुंदेलखंड का पठार की बात करें तो ये जो है एमपी के टीकमगढ़ और छत्तरपुर दतिया और ग्वालियर तथा शिवपुरी इन सब जिलों में क्या है, ये फैला हुआ है। शिवपुरी जिले में ये बुंदेलखंड का पठार जो है ये फैला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अभी हमने बताया था सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में होती है, कितना होता है 54.4 सेंटीमीटर होता है। और सबसे ज्यादा हमने क्या बताया था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 184.4 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है, विध्यांचल सोनकर कैमूर या बघेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पठारी से संबंधित प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है, तो सर्वाधिक उच्च पहाड़ी जो है वो सोनकर है, ऑप्शन नंबर बी, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, तराई का क्षेत्र,
पश्चिमी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान या मध्य गंगा मैदान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पश्चिमी गंगा मैदान जो है वो शीत ऋतु में इनका जो तापमान है बहुत कम रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से आगे बढ़ता है? उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर तक बढ़ता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, गर्म शुष्क मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है और पिछले वाले क्वेश्चन में जिला पूछा गया था। पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान और तराई क्षेत्र? तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? तो अब तक का सर्वाधिक तापमान कहां पर रिकॉर्ड किया गया है? इलाहाबाद, गोंडा, ललितपुर या झांसी? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो इलाहाबाद का रिकॉर्ड किया गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 या 90 से 95? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 75 से 80% तक उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी शहर कौन सा है? बस्ती, आजमगढ़, बलिया या बाराबंकी? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर कौन सा है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो बलिया। क्या है? बलिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? लखीमपुर खीरी का, सोनभद्र का, सीतापुर का या हरदोई का? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती हैं, तो 8 राज्य से हमने बताया था, तो इसमें कौन सी सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो सही आंसर है वो पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान, हरियाणा ये उत्तर प्रदेश से सीमाएं लगती हैं, तो पंजाब नहीं लगती, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? गाजीपुर, जौनपुर, हापुड़, प्रयागराज? तो जल्दी से बताइए क्या होगा। दृष्टि से, यहाँ पे जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल दृष्टि से छोटा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हापुड़ है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।